नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर नमस्कार, मैं आशीष गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल DG Realtors में। आज के इस वीडियो में हम ABCD बिल्डिंग के पीछे के रस्तों को डिस्कवर करने वाले हैं। ABCD बिल्डिंग के पीछे चार इम्पोर्टेंट विलेजेस लगते हैं, जिनका नाम है कादीपुर, बड़ियाद, ओटारिया और गोराशू। और इन विलेजेस के आइडियल लोकेशन और ऑथेंटिकल कन्फर्मेशन आप धोलेरा की मास्टर प्लानिंग को चेक करके कर सकते हैं। इस पूरे एरिया को TP2 वेस्ट भी कहते हैं। इस रूट पर कुछ इम्पोर्टेंट जोन्स लगती हैं, जैसे रेसिडेंशियल जोन, सिटी सेंटर जोन और नॉलेज एंड IT जोन। आइए जानते हैं क्यों धोलेरा SIR के इस रीजन में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा साबित होगा, चाहे वो लैंड इन्वेस्टमेंट हो या प्लॉटिंग स्कीम्स में। बता दूं, यहाँ पर ABCD बिल्डिंग के पीछे हमें 250 मीटर एक्सप्रेसवे का काम देखने को मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से धोलेरा तक बनाया जा रहा है। इस टॉपिक पर मैंने डेडिकेटेडली वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप दोबारा कभी भी देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। ढाई सौ मीटर एक्सप्रेसवे से ABCD बिल्डिंग 3 से 4 किलोमीटर दूर है और कुछ इस तरह दिखाई देती है। और ABCD बिल्डिंग से 250 मीटर एक्सप्रेसवे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसी एक्सप्रेसवे से नज़दीक आपको विलेज कादीपुर में WTP का काम दिखाई देगा। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है 50 मिलियन लीटर और इनिशियल लेवल पे इसे 10 मिलियन लीटर ऑपरेशनल किया जाएगा और इसकी पाइपलाइंस 400 किलोमीटर तक के रेंज की रहने वाली हैं। अब ये जितना भी काम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सब TP2 वेस्ट रीजन का है। बता दूं, एक्टिवेशन एरिया और लीनियर डेवलपमेंट के बाद गवर्नमेंट इसी रीजन में डेवलपमेंट करेगी। इसकी प्लानिंग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। और ये है वो अपकमिंग डेवलपमेंट रीजन की कॉपी, जब यहां पर ICT इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो जाएगा तब यह एरिया भी हमें एक्टिवेशन एरिया के जितने सुंदर दिखाई देगा। सारी फैसिलिटीज हमें प्राप्त होंगी जो आज हमें एक्टिवेशन एरिया में देखने को मिलती हैं। इन लोकेशन और विलेजेस में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन रहने वाला है और यहाँ पर अच्छे लैंड ऑप्शंस या प्लॉटिंग स्कीम्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर शेयर किया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।